नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम आपसे वादा करते हैं, हर एक दिन एक ऐसी प्रतिभा आपके सामने लाएं और आपको देश के बारे में रूबरू कराएं। इस देश में क्या चल रहा है, ऐसी ही एक प्रतिभा हमारे साथ हैं आज, भाजपा के वरिष्ठ, मैं कहूँ एक बहुत ही अच्छे होनहार युवा नेता। आपका नाम है बीरपाल सिंह। बीरपाल जी, आपका जी स्वागत है चिमचिमी में। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरपाल सिंह HMTV लाइव में आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और मैं कुछ अपने व्यक्तिगत मत रखना चाहता हूँ तबलीगी जमात पर। जी बीरपाल जी, हमने आज आपको इसीलिए बुलाया है कि दिल्ली के अंदर अभी जो हाल ही में निजामुद्दीन के अंदर जो वाकया इस देश ने देखा, मैं ये कहूँ दूसरी भाषा में और आसान भाषा में ये अगर किए कहूँ, इस देश को ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि आज जो देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर के ऐसी जो लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसको हम कह सकते हैं कि करीब 15, 14, 12 दिन पहले जो, और उसके अंदर अचानक एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन में, जिन्हें हम कहते हैं मरकज तब्दीली जमात, जिसने कि आज कोरोना को और कोरोना को जो मूल रूप है उसको बदल कर रख दिया है, उसमें आपका क्या कहना है? भाई साहब, मैं इस पर तबलीगी जमात पर मैं अपने व्यक्तिगत कुछ शब्द रखना चाहता हूँ। अगर मैं इस तबलीगी जमात को जाहिल गमारों का कबीला कहूँ तो मुझे इस पर अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे समझ में नहीं आता ये कुछ चंद लोग, मुट्ठी भर लोग, देश को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, देश से चाहते क्या हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी या हमारे देश की संसद कोई भी कानून लेके आती है या कोई भी नियम पास करती है या हमारे प्रधानमंत्री जी कोई भी अपील करते हैं, इनको उसके विरुद्ध ही जाना है। जबकि जो भी हमारे देश में कानून आ रहा है वो सभी के लिए बराबर है और सभी पर लागू होता है, लेकिन ये उसके विरुद्ध ही, इनको हर चीज में इनको विरुद्ध ही काम करना है। अब अभी का अगर हम कोरोना को लेके कहें, पूरा विश्व इतने घोर संकट में है, इस आपदा से गुजर इस रहा है। आपदा से गूज रहा है और इतने घोर संकट में है। सभी, इतना शक्तिशाली देश अमेरिका, उसने तक घुटने टेक दिए हैं। उसके राष्ट्रपति माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी, वो भी कितनी हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी से। वही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से हम्बल रिक्वेस्ट किया और ये भी कहा, मेरे देश में मैं अपने सभी सामाजिक और अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ, आपके आसपास कोई भी व्यक्ति भूखा न सो पाए, उनकी अपील को सुनते ही हमारे देश के जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं या NGO हैं या जितने भी धनाढ्य लोग हैं, वो सभी अपने जिस बलबूते, जैसे भी जिसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली उसी दिन से आए दिन हमारे समाज में। बीरपाल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। हम जो बात कर रहे थे वो तब्दीली जमात के ऊपर बात कर रहे थे, मैं आप वही अपना जो खाने पाने की वस्तुओं को बीच में ले आए। नहीं, हमारी जो हमारा जो काम है वो बात आप स्पष्ट कीजिए, उस बात पर आप बात रखिए, उन पर मत, हमें पॉइंट से मत भटकाइए। ठीक है, आप सिर्फ इस बात को बताइए, जो इस तब्दीली जमात ने जो इस समय जो काम किया है देश में जा करके कोरोना को दोनों हाथों से जनता के बीच लुटा दिया है, आपका इसमें क्या कहना जी है? जी भाई साहब, मैं इसी पे आ रहा हूँ अभी। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील किया कि इसको हमें तोड़ने के लिए, कोरोना से हमें लड़ने के लिए सामाजिक दूरी बनानी है। 21 दिन का लॉकडाउन है जिसमें कोई भी व्यक्ति 5 लोगों से ज़्यादा एक स्थान पे इकट्ठे नहीं रह सकते, लेकिन इस तबलीगी जमात ने क्या किया कि 5,000 लोग एक स्थान पर कर दिए और उसमें भी आप तरह तरह की बातें बोल रहे हैं कि नमाज पढ़ने वालों को कोई भी रोग हो नहीं सकता, उनको कोरोना छू नहीं सकता। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये तबलीगी जमात के बाद जो हमारा देश और जो लोग इस इनका उस किसी से लेना देना नहीं है, इनको निर्दोष लोग कहें, वो इसका खामियाजा भुगत रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप तबलीगी जमात है,
जमात, तबलीगी जमात सॉरी, इसका 100% जो है इसका जिम्मेदार तबलीगी जमात है, जिसकी वजह से आज हमारा देश फिर से बड़ी मुसीबत में फंस गया फंस गया है। है, और जिस पे हमें एक हफ्ते में लग रहा था कि काफी कुछ राहत मिली है हमें, लेकिन नहीं, आज आज का जो सुबह का आंकड़ा था 3500 पार का आंकड़ा था, और जिसमें 60% तबलीगी जमात की वजह से लोग संक्रमण हुए हैं। तो मैं तो बार बार फिर यही कहूंगा, ये तबलीगी जमात नहीं, ये जाहिल गमारों का कबीला है। मैं यहाँ पर आपको एक बात, अभी मैं एक डिबेट देख रहा था, उसमें इन्हीं के बीच का एक अमुक व्यक्ति, अमुक जमुई, उसने भी ये कहा था इन लोगों के लिए कि ये लोग नहीं हैं, ये लोग ही नहीं हैं। अगर वो लोग नहीं हैं तो वहाँ क्या करने आए थे? इतनी बड़ी जमात, इतने, हम कहते हैं लोग नहीं हैं, और वैसे ही कहते हैं मरकज तब्दीली जमात, ये एक प्रचार का माध्यम है जो अपने धर्म को बढ़ावा कर रही है। आपने, उन्होंने कहा था कि लोग नहीं हैं, आप क्या कहते हैं? मैं तो इनको इंसानियत का दुश्मन मानूंगा। ये इंसान नहीं है, ये इंसानियत के दुश्मन है, ये आम हर नागरिक के दुश्मन है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर जो इंसान, जो परिवार अपने कमा के दो वक्त की रोटी कमाता है और अपने परिवार का पालन करता है, उसके लिए जानी दुश्मन है, ये समाज के दुश्मन है। तो अब वीरपाल जी, आप हमें एक चीज़ बताइए, जो लॉकडाउन की जो घोषणा थी प्रधानमंत्री जी की, वो 14 अप्रैल तक थी। अब वो इन लोगों ने, जमात के लोगों ने, जो समाज के अंदर जितनी तेज़ी से अपने आप को घुलाया मिलाया है, और ये कहूँ कोरोना को बहुत तेज़ी से पंख नहीं लगाया उन्होंने, तो उसको तूफान की तरह बहुत बढ़ाया है। तो अब क्या ये लॉकडाउन की स्थिति में कुछ परिवर्तन होकर देखिए आगे बढ़ेगा या यहीं पर समाप्त हो देखिए, जाएगा? इसमें मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। अभी हमारी सरकार जो है पूर्ण रूप से अपने सक्षम है, इस पे काबू करने की पूरी तरह से प्रक्रियाएं चल रही हैं। हमारे जो देश के योद्धा, जिन जो अभी प्रेजेंट टाइम डॉक्टर, सफाई कर्मी एंड पुलिस, पूरी तरह से मुस्तैद है इस पे काबू करने के लिए। अभी आज क्या तारीख हुई है, 5 तारीख है पाँच आज तारीख आपकी। है, 5 तारीख है, और अभी हमारे पास 9 दिन है। 9 दिन में हमारी सरकार को क्या रिजल्ट मिलते हैं, उसके बाद ही इस पर कोई भी, भारत सरकार जो अच्छा, भी एक बात डिसीजन मैं लेगी, आपको तो फिर उसके मैं बाद। यहाँ टोकूंगा। कुछ तबलीगी जमात के लोगों को गाजियाबाद के अंदर एक हॉस्पिटल में क्वारंटाइन करने के लिए रखा गया था, लेकिन वहां पर भी ये जमात के जो लोग हैं, जिन्हें आप कहते हैं इंसान नहीं है, गवार हैं, ढोर हैं, जो भी हैं, वो उन डॉक्टरों की, जो महिला डॉक्टर हैं, उनके सामने नंगे हो रहे हैं आप और उनसे अभद्रता, मतलब ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो मुझे तो बताने में शर्म आ रही है। इसी बात से सोचिए कि ये लोग इंसान नहीं है, जो इनका जीवन बचाने के लिए जो भगवान बन के साक्षात इनके सामने खड़े हुए हैं, उस भगवान की नहीं मान रहे, उसके सामने अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, और जिस जिस भगवान को इन्होंने देखा नहीं अल्लाह को, उसके लिए मर रहे हैं। और मैं तो एक ही एक बात मेरे पर्सनल है कि अगर ये इनको ये लग रहा है कि इनको कुछ नहीं हुआ कोरोना, तो मैं तो भारत सरकार से ये अपील करूंगा कि इनको जितने तबलीगी जमात से संक्रमित व्यक्ति हैं, इनको एक हॉल में ले जाके बंद कर दो, और इनको फिर देखते हैं कि इनको संक्रमित होते हैं या नहीं होते। बीपाल जी, मैं आपको यहाँ फिर एक बात और स्मरण करा दूं, ये संक्रमित हैं इसीलिए पूरे वातावरण में संक्रमण फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ ये और। मैं ही कह रहा हूं, ये जानबूझ के कर रहे हैं भाई साहब, हाँ, इनकी सोची समझी साजिश है ये कुछ लोगों तो हमारी की। सरकार क्या नाकाम है इनकी, मतलब जो इस तरह की बातों को देखिए चलने देगी? देखिए, सरकार हमारी नाकाम नहीं है, सरकार अपने अपने स्तर तो पर क्या स्टेप पूर्ण। ले रही है सरकार ने, आज तक क्या किया है उसके बाद में? अभी तक तो कुछ किया नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात क्या और याद दिलाता हूं, जिस समय निजामुद्दीन में इन लोगों को पकड़ा गया था, पुलिस के द्वारा गाड़ी में, बस में बिठाया गया था, ये वो लोग हैं जिन्होंने पुलिस के ऊपर थूकना चालू किया था। ये लेकिन बड़ी अभी शर्म की बात है ये, कि ये उन लोगों को ऊपर थूक रहे थे ये। स्थिति बड़ी नाजुक है। अभी हमारी सरकार जो भी है, जितना भी है, हम्बल तरीके से ही इनसे निपट सकती है। अगर कोई भी सख्ती से कदम उठाते हैं, तो इनको भड़काने के लिए भी हमारे देश में राजनीतिक बहुत सी पार्टियां हैं, वो जो इनको भड़काने के लिए आगे आ जाएंगी और देश का माहौल बिगाड़ सकते हैं। तो जितने अच्छे से हो सकता है, उतने हमारी सरकार पूरी तरह से सक्रिय है, और इन पे इनको जगह जगह से ढूंढ रही है, और उनको इलाज के लिए वहाँ क्वारंटाइन कर रही है। बीरपाल जी, आप हमारे चैनल में आए, आपने अपना समय, बहुत कीमती अपना समय दिया,
मित्रों, मैं आपको एक बात और आपको स्मरण करा दूं, अगर आप देश हित में कुछ कहना चाहते हैं तो आप आइए हमारे चैनल में, हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन हम राजनीतिक कोई बात नहीं करेंगे, जो बात करेंगे उस देश के हित में बात करेंगे, इस राष्ट्र के लिए बात करेंगे, और जो राष्ट्र निर्माण में बात होगी हम उसको, आपकी बात को पूरे देश के सामने रखना पसंद करेंगे। स्वागत है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई हस्ती के साथ में जो राष्ट्रहित में जो बात करेगी। नमस्कार।